उषा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सूखे नारियल से लड्डू। ये लड्डू बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं, खाने में भी बहुत मतलब हेल्दी भी होते हैं। तो इनको हमें बनाने के लिए, लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए ये, हमने दो नारियल जो है सूखा वाला कद्दूकस कर लिया है, जिसको गरी का गोला कहते हैं, और ये पिसी हुई शक्कर एक कटोरी, और ये थोड़ा सा खोया। मावा जो है ये घर का बनाया हुआ ताज़ा है, बाहर का है तो वो थोड़ा ड्राई होता है, ये घर का ताज़ा बनाया हुआ है। और ये इलायची पाउडर और थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम 10 से 12 बादाम और एक किशमिश, और भी ड्राई फ्रूट और भी बढ़ा सकते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे बनाना, गैस को जलाएंगे। ये लड्डू बहुत जल्दी बन जाते हैं, और गैस में ऐसे कढ़ाई गर्म करके कढ़ाई जब हमारी अच्छे से गर्म हो जाएगी तो हम थोड़ा सा नारियल को सेकेंगे। कढ़ाई हमारी अच्छे से गर्म हो गई है, इसको हमें भूनना नहीं है। इसी गर्म कढ़ाई में, जब कढ़ाई अच्छे से गर्म हो जाएगी तो हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और नारियल को थोड़ा सा सेक लेंगे। इसमें खुद ही अपना ऑयल होता है नारियल में, तो इसलिए हमें कुछ घी भी नहीं डालना है। तो सेकने से ये बात है कि जैसे हमारे लड्डू ये 10-15 दिन ख़राब नहीं होंगे। इसको बस 1 से 2 मिनट ऐसे सेक लेंगे। अब नारियल ये हमारा थोड़ा सा रोस्ट हो गया है, इसको केवल गरम कढ़ाई में डाल के हमें बस एक से दो मिनट हल्का सा तला लेना है। इसी कढ़ाई में 1 चम्मच देसी घी डालेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल। इसमें हमें ये ड्राई फ्रूट जो है इनको सेक लेना है थोड़ा सा। ये बादाम, पहले हम बादाम को भून लेंगे। इनको हमें ज़्यादा नहीं जलाना है, बस हल्का सा गुलाब कलर चेंज होने तक पकाना है इनका थोड़े से, मतलब ये सेकने के बाद में ये है कि लड्डू में महक नहीं आती है इनकी, तो क्रंची हो जाएंगे। बस 1 से 2 सेकेंड हमें भूनना है इनको। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखेंगे, मीडियम पे रखेंगे, और इसी में ये बादाम हमारे जो है रोस्ट हो गए हैं, तो इसी में हम डाल के ये जो किशमिश है इसको भी चला देंगे, तो ये हल्की सी फूल जाएगी। ये लड्डू जो हैं ये 10 से 15 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। इनको हम फ्रिज में रखें या बाहर रखें तो ये जैसे मतलब इस तरीके से नारियल के लड्डू बनाएंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे और बहुत जल्दी बन जाते हैं। इनको बनाने में कोई झंझट भी नहीं, और बहुत जल्दी मतलब 10 से 15 मिनट में तैयार हो जाते हैं। तो ये किशमिश भी हमारी हल्की सी रोस्ट हो गई है।
गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसके बाद में हम नारियल को ग्राइंडर में डाल के इसका पाउडर बना लेंगे। जो हमने नारियल जो है इसको जो मतलब रोस्ट करके रखा है तो इसको डाल के हम पीस लेंगे। बस एक दो राउंड हमें घुमाना है मिक्सी को, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। तो ये हमने ये गरी का जो है पाउडर बना लिया है, इसको तीन चार राउंड हमने चलाया तो ये मोटा मोटा पाउडर है। इसको भी इसी में डाल के हमने गैस का फ्लेम हमारा बिल्कुल बंद है और इसी कढ़ाई में इसको भी डाल देंगे। सारे मेवा जो है और इसी में हम इलायची पाउडर डाल देंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल बंद है, अब हम गैस का फ्लेम नहीं मतलब गैस नहीं जलाए हुए हैं। अब इसको हम मिक्स करने के बाद में एक बड़े बाउल में निकाल लेंगे। अब इसको निकालने के बाद में ये हमारा केवल हल्का हल्का सा गर्म हो गया है, जब इसको हमने गर्म कढ़ाई में डाला है तो ये हल्का हल्का सा गर्म हो गया है। तो इससे ये है कि हमारी ये जो हम पिसी हुई चीनी लिए हैं तो ये आराम से इसमें हल्की सी नमी आ जाएगी, तो हमारे लड्डू बहुत वैसे ही हमने खोया डाल रहे हैं तो इसलिए अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। तो इसमें हम ये जो खोया है इसको मिक्स कर देंगे। और चीनी जो है हम स्वाद के अनुसार मतलब मीठा जितना पसंद है उतनी यूज करेंगे। कोई कम मीठा खाता है कोई ज़्यादा मीठा खाता है तो हम इसको ज़रूरत के हिसाब से यूज करेंगे चीनी को। इसमें हम दूध का यूज नहीं करेंगे तो ये इसीलिए जैसे इसका दूध का यूज नहीं कर रहे हैं तो इसलिए ये हम 10 से 15 दिन ये लड्डू खा सकते हैं और ये बहुत ही खाने में स्वादिष्ट होते हैं। अब लड्डुओं को हम मनचाहे आकार से बना लेंगे, छोटे बड़े जैसे हमें पसंद हैं। ये बड़े आसानी से बन जाते हैं ये लड्डू, इनको हम चाहे तो फ्रिज में रखें नहीं दो चार दिन बाहर भी रखे रहेंगे तो नहीं ख़राब होंगे। इनको हम फ्रिज में या टाइट कंटेनर में रखें तो इस प्रकार से ये लड्डू हम बना लेंगे। ये बहुत जल्दी बनते हैं, इनको जब चाहे हमारा मतलब खाने का मन हो मीठा तो ये तुरंत ही बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें ज़्यादा हमें कोई तैयारी भी नहीं करनी पड़ती है। ये दो लड्डू और बना के दिखा रहे हैं हम, ऐसे हम सारे लड्डू बना लेंगे, बना के तैयार कर लेंगे। तो ये हमारे नारियल के लड्डू बनके तैयार हैं। ये मतलब करवा चौथ में या दीपावली में किसी आराम से बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कैसे बने हैं। तो इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।
और लाइक करिए।